तो दोस्तों ये पिजन का इंडक्शन चूल्हा है और ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट 1800 वाट। तो चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं। तो हमने पावर प्लग को डाल दिया है सप्लाई में और इसे ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई ऑन कर दिया है और इस पर कोई इंडिकेटर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इसका डिस्प्ले। तो चलिए हम इसे खोलते हैं, पहले हम इसे अनप्लग कर देते हैं पावर से। तो हमने सारे स्क्रू खोल दिए हैं। तो मैंने पैनल वाला ये सॉकेट से वायर हटा दिया है और आगे इस कॉइल का कनेक्शन भी खोल देते हैं। इसे स्क्रू जा रहे हटा देते हैं, तीन स्क्रू है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सप्लाई। चलिए हम फ्यूज चेक करते हैं। इस पर एक फ्यूज है, ग्लास फ्यूज, और ये इसके बगल में कंडेंसर फटा हुआ है और इसके बगल में एक रेजिस्टेंस भी जला हुआ है। तो पहले हम इस ग्लास फ्यूज को चेक करके कंफर्म करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो ये फ्यूज फटा हुआ है। तो चलिए हम इस सर्किट को भी खोलते हैं। तो मैंने इस सर्किट को बोर्ड से पूरी तरह हटा दिया है और अब हम इसका ये कैपेसिटर हटाते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर फटा हुआ है और एक रेजिस्टेंस भी जला हुआ है। तो चलिए हम इस कैपेसिटर को हटाते हैं और इस रेजिस्टेंस को भी हटाते हैं। इसके बाद चेक करते हैं सर्किट। तो मैंने ये कंडेंसर हटा दिया है। इसका वैल्यू है 450 वोल्ट 4.7 UF। और मैं ये रेजिस्टेंस भी हटा दे रहा हूँ। ये आने चल रहा है लेकिन ये लगभग 20 ओम्स लगभग का होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हटा दिया है। तो इस पर रेजिस्टेंस की जगह में 22 आर लिखा हुआ है 1 वाट। इसका मतलब है ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगेगा और इधर
4.7 mmD 450 वोल्ट का कंडेंसर लगेगा। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं। तो ये गुड कंडीशन वाला एक कैपेसिटर है, तो मैंने सर्किट से ही रिमूव किया है। इसे हम लगाएंगे। तो चलिए हम इस पर 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाते हैं और सेम ही वाट रहेगा। ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस 1 वाट का हम लगा दे रहे हैं और सबसे पहले हम इसका आईसी को कंफर्म करते हैं, आईसी सही है या ख़राब है। तो चलिए हम इस पर ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और ये कंडेंसर भी लगा देते हैं। इस पर डायग्राम दिया हुआ है पोलरिटी का, माइनस किधर लगाना है, प्लस किधर लगाना है। अब इससे हम अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे। अब ये रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस वाले जगह पर ही लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया है रेजिस्टेंस। अब इसे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमने सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए अब हम इस पर सप्लाई देके देखते हैं सीरीज में, ताकि आगे कोई फॉल्ट हो तो सर्किट नुकसान ना करे। तो सबसे पहले हम इसका पैनल वाला डिस्प्ले लगा देते हैं ताकि पता चले। और इसका फ्यूज़ भी ख़राब है, हम इसको चेक करके कंफर्म करते हैं, इसके बाद इसका फ्यूज भी लगा देंगे। तो इसका ये सप्लाई वाला हिस्सा है, तो यहाँ और यहाँ हम एक सप्लाई हम यहाँ देंगे और दूसरा सप्लाई हम फ्यूज के अक्रॉस दे देंगे इस साइड में, ताकि हमें फ्यूज अभी नहीं लगाना है। तो चलिए हम टेस्ट लैंप से इसे सप्लाई देके देखते हैं और पैनल में देखते हैं कि लाइट आ रहा है कि नहीं। पर सप्लाई दे दिया है। अब हम चेक करते हैं।
आप देख सकते हैं ये सॉर्टिंग है। तो चलिए हम इसे खोल करके इस IGBT आउटपुट ट्रांजिस्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर चेक करते हैं। तो ये हम हीट सिंक हटा देते हैं, इसके बाद हम इसका IGBT से लेड डिसोल्ड कर देंगे। तो ये है इसका IGBT। तो चलिए हम इसको डिसकनेक्ट करते हैं। तो मैंने ये IGBT हटा दिया है, तो मैंने हटा दिया है IGBT को। अब हम फिर से इसे चेक करते हैं। सीरीज में ताकि हमें पता चले कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी सर्किट में शॉर्टिंग है। तो चलिए हम इसका इसे डायोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों चलिए हम इसका IC को हटाते हैं पहले। तो मैंने IC हटा दिया है, इसका पावर IC, पावर सप्लाई वाला IC मैंने हटा दिया, जिसका वैल्यू है PN8044। तो चलिए हम फिर से इसे सर्किट क्लीन करके चेक करते हैं। शॉर्टिंग अगर रहेगा तो हम बारी बारी से सब सारे कंपोनेंट्स को हटा के चेक करके कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम इसका फ्यूज लगा देते हैं। तो ये फॉल्ट वाला फ्यूज है, इसे हम हटा देते हैं। ये फ्यूज फॉल्ट है, इसको मैंने हटा दिया है। अब इसके जगह में हम अच्छा वाला फ्यूज लगाएंगे। ये है अच्छा वाला फ्यूज। चलिए हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। चलिए अब हम फिर से इसका शॉर्टिंग के लिए टेस्ट फिल्म से चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी शॉर्टिंग है। तो चलिए हम इस डायोड को भी हटाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस डायोड को भी हटाते हैं।
अभी भी शॉर्ट है तो देखते हैं कि कौन सा सामान उसमें शॉर्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, हम इस छोटे छोटे डाइट को भी हटाते हैं। यहीं पर शॉर्टिंग का पता लग रहा है, इसे हम हटाते हैं। अभी हम चेक करते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा डायोड यहाँ पर जो सीरीज में रहता है वो शॉर्ट कर गया था। तो दोस्तों मैंने तीनों डायोड लगा दिया है, अब हम इस पर एक फ्रेश आईसी लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने इस पर आईसी लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं तो चलिए हम इस पर IGBT आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस IC के सीरीज में जितने भी पार्ट्स था वो सब शॉर्ट हो गया था। IC फॉल्ट होने की वजह से कैपेसिटर भी ब्लास्ट कर गया था और उस पर एक रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस 20 ओम्स का 22 ओम्स का, वो भी ख़राब हो गया था। और इसके सीरीज में जितने भी डायोड है हमने सब बदल दिए हैं। इतने सारे लगभग मैंने पार्ट्स बदले हैं और इसके बाद ये इसका फॉल्ट सही हो गया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम इस पर सप्लाई देके देखते हैं एक बार फिर से सीरीज में सही है। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देते हैं विदाउट सीरीज से और इसे फिट करके देखते हैं। चलिए हम इस बर्तन को पानी हीट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पानी खोलने शुरू हो गया है।